क्लास फोर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और दिल लगाकर अपना काम लिख भी रहे होंगे और याद भी करे होंगे। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 का एम्बेसडर डिस्गाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो हरी अप एंड ओपन योर इंग्लिश नोटबुक एंड योर इंडेक्स पेज। तो सबसे पहले हम इंडेक्स लिखते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर में यहाँ पे आपने मेंशन करना है 23। ठीक है, 23 लिखे यहाँ पे, और आज की डेट मेंशन करें। तो क्या डेट है आज? 25, 5 and 21। ठीक है, सो आज हम यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करने लगे हैं। सो आपने इंडेक्स में भी यही मेंशन कर देना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 से लेकर 3 तक। ठीक है स्टूडेंट, मेरा ये काम आ रहा है पेज नंबर 36 पर, तो मैं यहाँ पर 36 लिख दूंगी। आपके क्वेश्चन आंसर जिस पेज नंबर पे आएंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, चलें अब हम अपनी नोटबुक का पेज रेडी करते हैं क्वेश्चंस के लिए। स्टूडेंट, नोटबुक पेज पे आपने सबसे पहले डे आज का लिखना है, दैट इज़ ट्यूसडे, और डेट आज की लगानी है 25, 5 and 21। ठीक है बच्चों, डेट एंड डे लगाने के बाद आप लोगों ने यूनिट नंबर 5 की हेडिंग देनी है, उसका नेम मेंशन करेंगे। क्या है हमारे यूनिट का नेम? द एम्बेसडर्स डिस्गाइज। ठीक है, सो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं, तो आपने क्वेश्चन आंसर्स की यहाँ पे हेडिंग देनी है, आंसर्स दीज क्वेश्चन। इस तरह से आपने पेज रेडी करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। व्हाट वर द रशियन नोबल्स बोस्टिंग अबाउट? वो जो रशिया के, रूस के जो सारे शर्फा थे जो उस मीटिंग में मौजूद थे, वो किस चीज़ की शेखियाँ मार रहे थे? ठीक है, सो बताएं ज़रा उनके पास क्या क्या कुछ था जो वो एक्सप्लेन कर रहे थे। जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर और दौलत की, हॉर्सेस वगैरह की। ठीक है, इन चीज़ की वो लोग बोस्ट कर रहे थे ना अपने आप की। सो हम इसका आंसर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे वाली लाइन पे आप लोगों ने लिखना है, दे वर बोस्टिंग। स्टूडेंट, ये वर्ड बोस्ट है, ठीक है, ये बूस्ट नहीं है, बूस्ट में डबल ओ आता है। ठीक है, ये है बी ओ ए एस टी आई एन जी, बोस्टिंग। दे वर बोस्टिंग ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, पावर को। ठीक है, एस टी आर ई एन जी टी एच, दे वर बोस्टिंग ऑफ देयर स्ट्रेंथ, विजडम, इसके अलावा वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत को, और क्या था, ट्रस्टेड हॉर्सेस। ट्रस्टेड हॉर्सेस कहते हैं ऐसे हॉर्सेस जिन पे यकीन किया जाए, मतलब ट्रेन्ड हॉर्सेस। ट्रस्टेड हॉर्सेस एंड देमसेल्फ, देमसेल्फ कहते हैं अपने आप की। ठीक है, एंड देम सेल्फ्स, और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, तो आपने यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या बना? दे वर बोस्टिंग ऑफ देयर स्ट्रेंथ, विजडम, वेल्थ, ट्रस्टेड हॉर्सेस एंड देमसेल्फ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। व्हाई वाज द प्रिंस एंग्री विद स्टेवर? आपने बताना है शहजादा जो था वो स्टेवर से क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि स्टूडेंट स्टेवर ने प्रिंस को ये बोला था ना कि आपका मेरी वाइफ कैटरीना के साथ कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जब सारे नोबल जो वहाँ पे मौजूद थे वो लोग अपनी डिफरेंट थिंग्स की जो थी वो बोस्टिंग कर रहे थे, तो जब स्टेवर की बारी आई तो उसने कहा कि मेरी वाइफ का यहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान के साथ, इवन प्रिंस के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्किलफुल थी। यही कहा था ना स्टेवर ने। चलें अब हम इसका आंसर लिखते हैं इन द नेक्स्ट लाइन, के आगे से शुरू नहीं करना बच्चों, नीचे से लिखना है इसका आंसर। ही वाज एंग्री, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंस की। ठीक है, ही वाज एंग्री विद स्टेवर, वो स्टेवर के साथ स्टेवर पर इसलिए गुस्सा था, एस टी ए वी आर, ही वाज एंग्री विद स्टेवर फॉर सेइंग, इस बात पर, सेइंग फॉर सेइंग का मतलब होता है इस बात पर या इस कहने पर, फॉर सेइंग दैट ही वाज नो मैच, ही वाज नो मैच फॉर हिज वाइफ। क्या नेम था उसके वाइफ का? कैटरीना, और कैटरीना का के कैपिटल लिखेंगे क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ अ गर्ल, कैटरीना, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ठीक है,
He was angry with Stever for saying that he was no match for his wife Katrina. यानी वो शहजादा था वो स्टेवर से इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने कहा कि आपका मेरी बीवी के साथ कोई मुकाबला नहीं है. ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों का हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. हु डिड कैटरीना टेक विद हर टू कीव. कैटरीना कीव के पास, कीव यानी जो प्रिंस था, कीव के पास किस किस को लेकर गई थी. ठीक है, अब हमने उन लोगों का बताना है जिनको कैटरीना अपने साथ जो थी वो पैलेस लेकर गई थी. बताएं जरा कौन कौन शामिल थे उसमें. 30 आर्कर्स थे और 30 चेस मास्टर्स थे और 30 म्यूजिशियंस थे. यही लोग थे ना जिनको कैटरीना पैलेस लेकर गई थी. चलें अब हम यही लिखेंगे. कैटरीना टुक, नेक्स्ट लाइन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है. कैटरीना टुक 30 आर्कर्स. आर्कर्स के अलावा कौन थे जी? 30 चेस मास्टर. चेस मैंने आपको बताया था कि एक गेम होती है दो तरह की, थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो. 30 चेस मास्टर्स, MASTERS, 30 चेस मास्टर्स. और कौन थे साथ? 30 म्यूजिशियंस थे. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जो स्ट्रेंथ है वो आपने लाजमी मेंशन करनी है साथ. ठीक है, एंड 30 म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस कहते हैं मौसीकार, MUSICIANS, म्यूजिशियंस. विद हर टू कीव के कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रिंस का नेम है और यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बना? कैटरीना टुक 30 आर्कर्स, 30 चेस मास्टर्स एंड 30 म्यूजिशियंस विद हर टू कीव. कैटरीना अपने साथ 30 आर्कर्स, 30 चेस मास्टर और 30 म्यूजिशियंस यानी कि मौसीकार को अपने साथ कीव के पास लेकर गई. सो क्लास 3 आज का काम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हमने यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व किया है. आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और ईजी लगा होगा. नीट हैंड राइटिंग में इस काम को आपने अपनी नोटबुक्स पर करना है क्लास 4 और याद लाजमी करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके अपने यूनिट को वाइंड अप कर देंगे. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.